आ बिट्टू के पापा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आ बहुत तेज दर्द हो रहा है। ओ मर गई मैं। मैंने इनको पेट दर्द ठीक होने का इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में दर्द ठीक हो जाएगा। आ आप लोग घर जाओ। लेकिन डॉक्टर अभी भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। मम्मी मैं आपको गाना सुनाता हूँ, क्या पता गाना सुनकर आपका पेट दर्द ठीक हो जाए। मेरी प्यारी मम्मी, मेरी भोली मम्मी, मेरी मोटी मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी। अबे चुप, ये हॉस्पिटल है, तेरा घर नहीं। निकलो निकलो, जहाँ जाता है बेइज्जती कराता है। चल घर चल, तू भी चल। चल ठीक है डॉक्टर, चलते हैं। और हाँ, इनके बीमारी की कुछ जांच कराई है, अभी रिपोर्ट आई नहीं है, थोड़ी देर में इनकी बीमारी की रिपोर्ट आ जाएगी, मैं घर भिजवा दूंगा। आप जाओ 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 जाओ। हाँ डॉक्टर, रिपोर्ट घर भेज देना। खड़ी क्या है, चल। हाँ हाँ चलो। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। डॉक्टर आप पीछे पीछे क्यों आ गए, इसकी बीमारी की रिपोर्ट आ गई, क्या हुआ? इनकी बीमारी की रिपोर्ट आ गई है, बात ही कुछ ऐसी थी, मुझे खुद आना पड़ा। इनकी बीमारी की रिपोर्ट में ये आया है, इनको बहुत खतरनाक बीमारी है, उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर क्या हुआ मुझे? बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये 2 दिन बाद मर जाएंगे। 2 दिन बाद मर जाएगी? ऐसे कैसे मर जाएगी? माताजी इन 2 दिन में जो करना है करो, केवल 2 दिन बचे हैं। और हाँ, हॉस्पिटल जाकर पैसे बर्बाद मत करना, क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मैं चलता हूँ, नमस्ते। मेरी मम्मी, मुझे छोड़ के मत जाना। बिट्टू के पापा, बिट्टू के पापा, मैं 2 दिन बाद मर जाऊंगी, मेरे 5 छोटे छोटे बच्चे, इनको कौन देखेगा? बिट्टू के पापा मुझे बचा लो, मैं आपको कुछ होने नहीं दूंगा। मेरी मम्मी, मेरा बिट्टू, ओ मेरी मम्मी, मेरा बिट्टू, ओ मेरी मम्मी, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा? कैसे रहूंगा? कौन मुझे डांटेगा? कौन कहेगा बिट्टू यहाँ आ, बिट्टू वहाँ मत जा, बिट्टू ऐसा मत कर, बिट्टू वैसा मत कर, बिट्टू तू मेरे हाथ से मर जाएगा, तू बहुत बिगड़ गया है, पढ़ाई कर, ये कर, वो कर। कौन कहेगा मम्मी, कौन कहेगा? कौन कहेगा? मैं 2 दिन बाद मर जाऊंगी। तू रो मत, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। तेरे पास 2 दिन बचे हैं, 2 दिन ऐसे रोती रहेगी तो क्या मिलेगा? 2 दिन अपनी जिंदगी जी ले, जो करना है कर, जो खाना है खा, हस ऐसे हस 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 हस। हाँ मम्मी हसो, ऐसे हसो, हंसती हूँ। बिट्टू के पापा, मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करोगे? हाँ हाँ तेरी इच्छा पूरी करूंगा, बता क्या इच्छा है तेरी? मरने से पहले मैं बिट्टू की शादी होते हुए देखना चाहती हूँ। शादी? अभी तो ये छोटा है। कोई बात नहीं, मत करो मेरी इच्छा पूरी। देख लिया बिट्टू के पापा आपका प्यार, देख लिया, जिंदगी भर झाड़ू किया, पोछा किया, बच्चे संभाले, आज मेरी एक इच्छा पूरी करने के लिए कोई नहीं है। देख लिया। चुप, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, इसकी शादी होगी और आज ही होगी। मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी होगी। लेकिन मैं दुखी भी हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी से कौन कहेगा बहू? ओ बहू, बहू जा चाय बना, बहू जा खाना बना, कौन कहेगा मम्मी, कौन कहेगा? मेरी पत्नी किसके चुगली करेगी? तेरी मम्मी वैसी, तेरी मम्मी ऐसी, सासू माँ ऐसी, सासू माँ वैसी, किसके बारे में कहेगी? यही सोच के मैं परेशान हूँ। अब शादी करा रहे हो तो जल्दी कर दो, मुझे भी थोड़ी जल्दी है। हेलो, हाँ पंडित जी नमस्ते, कोई लड़की है तो बताओ, शादी करनी है? अरे मेरे लिए नहीं, मैं तो 2 दिन बाद शादी करूंगा। बिट्टू के लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, उसकी शादी करनी है। कोई लड़की नहीं है? अरे कोई तो होगी, भिखारी खानदान की है, भीख मांगती है। कोई बात नहीं, चलेगी, लूली लंगड़ी भिखारी सब चलेगी। आज ही शादी करनी है, लड़की और उसके घर वालों को भेज दो।
आ रही है लड़की, लेकिन लड़की भिखारी खानदान की है, भीख मांगती है। मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी। लड़की के घर वाले आए तो चाय पानी खाना पूछ लेना, ये नहीं बस शादी करनी है, शादी करनी है। नमस्ते, पंडित ने भेजा है, इसकी शादी करनी है। ये मेरी बेटी, मैं इसका बाप। ये लो आ गए लड़की और उसके पापा। अरे क्या हो, बैठो बैठो, जल्दी शादी की बात करते हैं, बैठो, आज ही इसकी शादी करनी है। ऊपर वाले के नाम से कुछ दे दे, भिखारी की दुआ लगेगी। दे दे, एक महीने से भूखी हूँ। जब जहाँ जाती है भीख मांगते रहती है। यहाँ मैं तेरा रिश्ता लेके आया हूँ और तू भीख मांग। भिखारी खानदान के है तो आदत है। ये है हमारा बेटा, इसकी शादी करनी है आपकी बेटी से। चल नमस्ते बोल। ससुर जी नमस्ते, चाय खाओगे या फिर बिस्कुट पियोगे? अबे चुप, इसकी मत सुनो। कितनी प्यारी बेटी है आपकी, बैठो बैठो। आहाहा, कितनी प्यारी पत्नी है मेरी। आहाहा, तो भाई साहब शादी की बात शुरू करें। बात क्या करनी है, आज ही शादी कर देते हैं, हमको थोड़ा जल्दी है। आज क्या, अभी शादी कर देते हैं। ठीक है, आज से मेरी बेटी इसकी पत्नी। लेकिन हम भिखारी हैं तो दहेज कुछ दे नहीं पाएंगे। अरे भाई साहब, हमको कुछ नहीं चाहिए, ना कार, ना स्कूटर, ना जेवर, कुछ दहेज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल 10-15 लाख रुपया दे देना। अबे चुप, इसकी मत सुनो, आज से आपकी बेटी हमारे घर की बहू। तो शादी पक्की? हाँ हाँ पक्की, बिल्कुल पक्की। बेटी, आज से ये तेरे ससुर, ये तेरा पति, ये तेरी सास, यही तेरा घर है अब। हाँ हाँ, तू अब हमारी बहू है। ये मेरा घर है, ये मेरा पति है। मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरा पति। आह, घर से आते आते थक गई हूँ। थक गई है, थक गई है तो यहाँ पर सो जा। आजा यहाँ पर सो, हमको नींद आ रही है, हम दोनों सो जाते हैं। हाँ हाँ, सो जा सो जा बेटा, सो जा, चल चल सो जाते हैं। देखो पति पत्नी कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा भाई साहब, चलता हूँ, मेरी बेटी की शादी इस घर में हो गई है, अब आता जाता लगा रहेगा। चलता हूँ। अरे डॉक्टर आप? मैं आपको ये बताने आया हूँ, आपको कोई बीमारी नहीं है। वो गलती से मैं किसी दूसरे मरीज की रिपोर्ट आपकी समझ रहा था, वो रिपोर्ट आपकी नहीं थी। आपको कुछ नहीं होगा। मतलब मैं नहीं मरूंगी? अरे नहीं, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप नहीं मरोगे, क्योंकि वो रिपोर्ट आपकी थी ही नहीं। बिट्टू के पापा, मुझे कुछ नहीं होगा, डॉक्टर बोल रहे हैं मुझे कुछ नहीं होगा, रिपोर्ट गलत थी, बीमारी की रिपोर्ट किसी और की थी। मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जिंदा रहूंगी। तो चलता हूँ, नमस्ते। अच्छा भाई साहब, मैं भी चलता हूँ। कहाँ चलता हूँ, ये अपनी भिखारी बेटी को ले जा। इसकी शादी हो गई है बिट्टू से। कैसी शादी, कौन सी शादी, कैसी बहू? निकलो, हट, निकलो निकलो निकलो। चल बेटी चल, वरना बेइज्जती करते रहेंगे। हम भिखारी हैं, लेकिन हमारी भी कोई इज्जत है। चल 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 चल। ऊपर वाले के नाम से कुछ दे दे, भिखारी की दुआ लगेगी। दे दे, एक महीने से भूखी हूँ। चुप, हट निकल। मेरी पत्नी, मुझे छोड़कर मत जा। अबे चुप।